नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। शरद पवार ने भाजपा पर कसा तंज, बोले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बताई जा रही है राम मंदिर तैयार होने की तारीख। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़ी को लेकर बड़ा खुलासा, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की योजना बनाई थी। पंजाब में गैंगस्टरों ने किया खुद पुलिस वाले का मर्डर, गाड़ी से लूटकर भाग रहे थे, पीछा करने पर बरसाई गोलियां, मुठभेड़ में तीनों गिरफ्तार। रात भर भोपाल के जंबूरी मैदान पर डटे रहे करड़ी सेना कार्यकर्ता, संगठन प्रमुख समेत 5 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले यह देश तपस्वियों का, पुजारियों का नहीं, कुरुक्षेत्र में कांग्रेसी समर्थक पुलिस से भिड़े। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब और उसके बेटों को होगी उम्र कैद, सरकारी वकील का दावा, चार्ज इतने गंभीर, बेल भी नहीं मिलेगी। दो महीने की दोस्ती में आरती बनी कातिल, पति के नहीं रहने पर लवर को करती थी न्यूड कॉल, अरेस्ट होने पर बोली पति टॉर्चर करता था। रंगनाथ भगवान का बैकुंठ उत्सव, माखन चोर लीला के हुए दर्शन, भक्तों ने भगवान को सुनाए भजन। शाहजहांपुर में आवारा पशु से किसान परेशान, सरदराब में फसल की रखवाली को मजबूर, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अनजान। पंचतत्व में विलीन हुए केशरीनाथ त्रिपाठी, प्रयागराज में बेटे नीरज त्रिपाठी ने दी मुखाग्नि, अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। ब्राजील में अमेरिकी संसद जैसे हिंसा, पूर्व प्रेसिडेंट के हजारों समर्थक संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसे, 400 गिरफ्तार हो चुके। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी, एक्सपर्ट बोले 15 जनवरी के बाद मामलों में उछाल होगा। नए आर्मी चीफ से भिड़े इमरान खान, बोले हमारी फौज ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, वो अभी भी सियासत कर रही है। सेनेगल में सड़क हादसा, 40 की बोर टायर फटने के बाद 2 बसें टकराई। चीन में हिंसा, कोरोना टेस्ट किट बनाने वाली फैक्ट्री ने लोगों को निकाला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दवाओं के बक्से फेंके। आईपीएल से बाहर होने पर भी पंत को नहीं होगा नुकसान, दिल्ली कैपिटल से मिलेंगे 16 करोड़ रुपए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड 6 करोड़ रुपए बीसीसीआई देगी। तीसरे T20 के दौरान मैदान में घुसा था युवक, उमरान मलिक के पैर पकड़े श्रीलंकाई खिलाड़ी ने पकड़कर सिक्योरिटी को सौंपा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज, साउथ अफ्रीका ने 3 टेस्ट ड्रॉ कराए, दूसरी पारी में 2 विकेट पर 106 रन बनाए। शाहिद अफरीदी के काम से खुश हैं पीसीबी चेयरमैन, आगे भी बन सकते हैं चीफ सेलेक्टर। सरफराज अहमद का वापसी पर पाक कप्तान बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान, बोले सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी ही यही पहचान होती है। अस्सी साल की उम्र में भी सुपर फिट दिखे बिग बी, बंगले के बाहर फैंस से मिले, 30 सालों से चला आ रहा है फैंस से मिलने का ट्रेडिशन। देसी अवतार में दिखे सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, गजरा मोहब्बत वाला पर बनाई रील वीडियो। ग्लैमरस लुक में एयरपोर्ट पर दिखी उर्वशी रौतेला, लंबे समय बाद पति के साथ नजर आई अमृता राव। हुमले फिल्म्स ने KGF 3 बनने के लिए कर दिए संकेत, मेकर्स बोली 2025 तक आएगी फिल्म।
किया। दीप अहलावत ने इरफान खान को किया याद, बर्थ एनिवर्सरी पर दिखा खास वीडियो, देख फैंस हुए इमोशनल। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।